हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, जो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ध्यान देना, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब आप किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद और पहले वाली मैट्रिक्स अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ अगर इक्वल होती है, ये होती है पॉजिटिव होगा तो सिमेट्रिक है और नेगेटिव होगा तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ट्रांसपोज वाली और जो मैट्रिक्स गिवन है वो, और इसमें आपका यहाँ पर होगा वो इक्वल तो होगी लेकिन आगे नेगेटिव साइन भी होगा। तो आपको यहाँ पे शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं। ओके, नाउ इसका ट्रांसपोज करें। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही जो हम अभी तक कर रहे थे कि पहले वाली जो हमारी यहाँ मैट्रिक्स है उसके कॉलम C1 को रो 1 बना देंगे, C2 को रो 2 बना देंगे और C3 को रो 3 बना देंगे। तो C1 को रो 1 बनाओ, तो 1-1 5 को हम रो बना देंगे, 1-1 5 हो गया। देन कॉलम 2 को हम क्या करेंगे, रो 2, तो -1 2 1 हो जाएगा, तो -1 2 1 हो गया। फिर रो कॉलम 3 को रो 3, 5 1 3, तो ये हो गया 5 1 3 हो गया। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 से 1 इक्वल है, -1 से -1 इक्वल है, 5 से 5 इक्वल है, फिर -1 से -1, 2 से 2, 1 से 1, फिर 5 1 3 5 1 3। तो आपने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि हियर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो इट इज अ सिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी इक्वल होगा ना, इसलिए मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अब सेकंड वाले को हमें स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, तो ये चीजें बस याद रखो कि सिमेट्रिक के लिए ये शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये शो करना है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो पहले ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज में वही इस कॉलम को उठा लो और रो बना दो, तो 0-1 1 हो गया। फिर इस कॉलम को उठा के रो बना दो, तो 1-0-1 हो गया। फिर इस कॉलम को भी उठा के रो बना दो, तो -1 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं। 0-1 1 है, तो यहाँ पे 0-1-1 आ रहा है, यहाँ 1-0-1 है, तो यहाँ -1-0-1 आ रहा है, तो ये आपस में सिमेट्रिक नहीं। बट हमें शो क्या करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर दो, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो या माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लो। ये सबसे सिंपल तरीका आपको दिखाने का, आप बाहर माइनस लिख दो और अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर दो। देखो, जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जीरो के आगे प्लस लगा लो माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये नेगेटिव है क्योंकि हमने माइनस बार कॉमन लिया है, तो जिसके पास होगा वो तो बाहर आ जाएगा और जिसके पास नहीं होगा वो अपने आप लगा लेगा, है ना। तो इतना कंफ्यूजन में जाने ही नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक जब भी शो करना है बाहर माइनस ले लो और अंदर सबके साइन चेंज कर दो। ये -1 को +1 कर दो, फिर ये आपका +1 है, ये -1 हो जाएगा, फिर ये +1 था, ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये -1 क्या हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, ये 1-1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि क्या ये ए है, तो यस है। 0-1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 -1 1 0, तो -1 1 0, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या है, ए है। तो हमने यहाँ पे शो करा कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ना होके किसके इक्वल है, -A के इक्वल है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ओके, तो ये हमने फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी, जो शो करना है तो उसको नीचे लिख करके जरूर बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए 1-6-5-7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे ये शो करना है, हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं शो करना है, हमें ये जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना, जो काम हम कर रहे थे ना वही हमें यहाँ पे करना है। अगर आपको कहते कि इस वाली मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक शो करो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो आपस में इक्वल है। अगर हमें ए को कहते कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक शो करो, तो हम कहते कि ए ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसने क्वेश्चन ने हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए नहीं बोला। अगर इस मैट्रिक को जैसे क्वेश्चन 7 में किया था,
तो अगर इसको कहते तो हम ये निकाल लेते और ये निकाल लेते, बट इसने कहा कि आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस क्या करो, ए का ट्रांसपोज निकालो। अब जो मैट्रिक्स आपकी आएगी, हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहां पे निकाला, अब हमारी जो मैट्रिक्स आई है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये इसने यहाँ पे बोला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो भी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे आ रही है उस मैट्रिक्स का, लाइक कि हमारी इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे पी कह देती हूँ, तो फिर हम पी का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती तो हम कह देंगे कि भाई ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसने कान यू ना पकड़ के यू पकड़ा है कि भाई आप ए को ना शो करो और ए प्लस ए के ट्रांसपोज को शो करो। तो लाइक कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर पी आ रहा है और हमने इस पी को अगर पी के ट्रांसपोज के इक्वल भी यहां पे शो कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमें यहां पे एक्चुअल में क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, हमें पी को बनाना है और उसको हमें सिमेट्रिक शो करना है। तो पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालें, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, पहले फर्स्ट सॉल्व कर दें। तो ए हमारे पास क्या है, 1 है, 6 है, 5 है और आपका 7 है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज तो आपको पता ही, भाई ए और ए ट्रांसपोज दोनों चाहिए ना, तो ए हमने यहां से लिख लिया, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये कॉलम जो है 1 6 ये आपकी रो बन जाएगी और जो कॉलम 5 7 है वो आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसने कहा कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, तो हम वो भी निकाल लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 5 वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 5 6 7 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, 1 5 और ये 6 7 हो गया, ठीक है। इधर 1 5 है, इधर 1 5 है। अब इनको आप ऐड करो, ऐड करो आप यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 आपका यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। 6 प्लस 5, प्लस में तो पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 6 प्लस 5 आपका 11 हो गया, अगेन 6 प्लस 5 आपका 11 हो गया और 7 प्लस 7 क्या हो गया, 14 हो गया। तो ये हमारा a प्लस a का क्या आया, ट्रांसपोज आया। तो लाइक लेट कि हम इसको कोई एक वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं, तो मैं इसको x ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, a प्लस a ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, ये आया है a प्लस a ट्रांसपोज हमारे पास एक्चुअल में क्या आया है, x आया। अब आपको इस x को शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो नाउ, ठीक है, नाउ हम क्या लिखेंगे, एक्स ट्रांसपोज। तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे कि भाई ये सिमेट्रिक है। तो अगर आपको इस तरह से और भी मैट्रिक्स कह सकते हैं, भाई ए प्लस बी प्लस सी को आप सिमेट्रिक शो करो या ए सी प्लस डी को करो, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स कहेंगे और उनके एक उनके बीच में ऑपरेशन लगा करके अगर आपको कहे सिमेट्रिक, तो आपको एक फाइनल मैट्रिक्स निकालनी और उसका ट्रांसपोज आपको निकालना होगा। तो ये 2 11 कॉलम में है तो वर्टिकल में कर दो, ये 11 14 कॉलम में है तो इसको भी आप रो में कर दो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखो ये x हमारा ये है और ये x का ट्रांसपोज है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 11 2 11 11 14 11 14, तो यस ये हमारा यहाँ पर इक्वल है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कह दो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर x इक्वल टू x ट्रांसपोज, हैंस a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब सेम इसने हमें इस सब्ट्रैक्शन का बोला, तो सब्ट्रैक्शन पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। तो पहले हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, a माइनस a ट्रांसपोज चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करो अब यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। 5 में से 6 गया तो भाई 1 बचेगा, लेकिन 6 बड़ा साइन उसका आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा क्योंकि अब 6 का साइन आएगा, और 7 माइनस 7 आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो a माइनस a ट्रांसपोज जो भी आया उसको हम कैपिटल y लेट कर लेते हैं, हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे शो करना है। तो वही अब आपका क्या होना चाहिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे शो क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करना है कि y का जो ट्रांसपोज है वो माइनस y के यहाँ पर इक्वल आना चाहिए, यही हमें शो करना है ना। तो पहले हम y का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो नाउ y का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 1 कॉलम में है रो में लिख दिया, -1 0 कॉलम में है तो इसको भी हमने यहाँ पे रो में लिख दिया। तो देखो आपके ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये 0 है ये 0 है, ये -1 है ये 1 है, ये 1 है ये -1 है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब हमें इसको शो करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ,
y ट्रांसपोज को हमें माइनस वाई के इक्वल शो करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, बाहर आप माइनस लिख लो, अंदर साइन चेंज कर दो, तो जीरो के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वन नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो गया जीरो। तो देखो ये वाई के इक्वल है, जीरो वन जीरो वन, माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, वाई है। तो y का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आपका माइनस वाई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो आपकी मैट्रिक्स यहां पर है, a माइनस a ट्रांसपोज जो आपकी मैट्रिक्स है, वो एक स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। तो यहां पे हमने शो किया कि x इक्वल टू x ट्रांसपोज, और यहां पे हमने शो किया कि y ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर जरूर लिखना है कि y ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ y मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी तो हमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, अब आपको कह रहा है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने किया हुआ है, बस उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए मैंने लिख दिया, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कॉलम पहली रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरी रो, और तीसरा कॉलम तीसरी रो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, जीरो माइनस ए माइनस बी खड़ा हुआ है, अब इसको लेटा दो, जीरो माइनस ए माइनस बी हो गया, ये भी वर्टिकल है, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर लो, ए जीरो माइनस का सी, और ये बी सी जीरो, तो ये बी सी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। नाउ कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहे, देखो प्लस करना है तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मेरे मिस्टेक हो रही है तो आप दोनों की वैल्यू यहां पर रख दो, ये जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो हो गया। फिर प्लस ए का ट्रांसपोज पुट करो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, ये हो गया माइनस बी माइनस सी और जीरो। चलो कर दो इनको ऐड, जीरो प्लस जीरो, तो ये भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ए देखो बीच में प्लस है ना, तो हमें देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऐड हो रहा है। ए माइनस ए, तो ये भी हो गया जीरो, बी माइनस बी, तो ये भी हो गया आपका जीरो, माइनस ए प्लस ए, तो वही हो गया ना वन माइनस वन, ये भी हो गया जीरो, जीरो माइनस जीरो सॉरी जीरो प्लस जीरो जीरो, सी माइनस सी तो जीरो, माइनस बी प्लस बी, तो ये भी आपका जीरो, माइनस सी प्लस सी, ये भी जीरो, और जीरो माइनस जीरो भी जीरो। यानी कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, पूरी एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ रही है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि जीरो मैट्रिक्स को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब इस पहले वाले का आंसर आपका यहां पर क्या रह गया, जीरो, क्योंकि हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे हाफ अंदर ही जाएगा ना, सबके पास जाएगा, हाफ सबके घर के बाहर रखा हो सबके घर के पास जाएगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर आंसर हमारा आ रहा है नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया नल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब नेगेटिव में तो आप वैल्यू हमेशा पुट कर लो ना, क्योंकि नेगेटिव में आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। ठीक है, क्योंकि बीच में साइन आते हैं ना, तो आपको दिक्कत हो जाती है उसको फिर सॉल्व करने में, तो इसको आप लिख लिया करो फटाफट से, यहाँ बीच में माइनस है, फिर ये जीरो ए बी हो गया, मैं यही यही वाली वैल्यू रख रही हूँ। ठीक है ना, माइनस ए जीरो सी, और माइनस बी माइनस सी, और ये जीरो हो गया। चलो करो सॉल्व, ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी जीरो माइनस जीरो जीरो, ए माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ए प्लस ए क्या हो गया यहाँ पे आपका टू ए हो गया, फिर बी अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी प्लस बी आपका यहाँ पर टू बी हो गया, फिर माइनस ए माइनस ए, तो दो नंबर इस तरह से, अगर वन प्लस वन है तो वो टू हो जाएगा, और माइनस वन है तो वो माइनस का टू हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेम साइन हमेशा एड होता है, प्लस वन प्लस वन प्लस टू होगा, माइनस वन माइनस टू होगा, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए यानी कि माइनस का टू ए हो गया, फिर जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, सी फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो सी प्लस सी भी आपका टू सी हो गया, फिर माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी इसकी वजह से तो माइनस का टू बी हो गया, फिर माइनस सी तो ये भी आपका माइनस का टू सी होगा, जीरो माइनस जीरो आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो
तो करो फिर यहाँ पे हाफ, यहाँ पर आ गया। अब देखो अंदर जीरो नहीं है ना, तो हाफ को सबके घर के पास जाना पड़ेगा, हाफ है ना सबके, ये जो नाइन एलिमेंट है ना सबके पास जाएगा। तो आप कॉमन सेंस से यहाँ पे लिख सकते हो, हमें जरूरी नहीं कि अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये हाफ जीरो के पास आया तो जीरो इंटू हाफ तो जीरो ही हो गया। फिर हाफ टू ए के पास आया तो इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए ही बच गया। फिर हाफ टू बी के पास आया तो इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, ये आपका ओनली क्या हो गया, बी हो गया। फिर हाफ इसके पास आया तो टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस का ए हो गया, यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे टू कैंसिल होकर सी हो जाएगा। फिर इसके पास आएगा तो इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, भैया डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो माइनस का बी हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होके माइनस का सी हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो इसी मैट्रिक्स के, जो गिवन मैट्रिक्स है ना आपकी, उसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसका आंसर ये आएगा नल मैट्रिक्स और इसका आंसर हमारा ये आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी, तो मैंने ये थ्योरम नंबर वन और थ्योरम नंबर टू बताई थी कि कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रियल नंबर एंट्रीज है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके थ्योरम नंबर टू है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें एक्चुअल में क्या शो करना होता है, हमें ये शो करना होता है जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपकी इक्वल होगी हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या कहा कि अगर मैट्रिक्स दो कंडीशन को फुलफिल करती कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और रियल नंबर एंट्रीज है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक रखा, यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक रखा था और हाफ का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, आप इसको खुद को भी सॉल्व करके अगर आप देखोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे ए इक्वल टू आपका टू ए आ रहा है। देखो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है और हाफ अगर हम बाहर ले लें, मानो कि हाफ यहाँ पे है ही नहीं तो ए ये क्या हो रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो रहा है तो ए इक्वल टू ए प्लस ए टू ए आ रहा है। तो इस टू को हटाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में हम शो कर सकते हैं तो हमें एक्चुअल में ये चीज वहां पर शो करनी, तो ये आपको यहां पर ये भी याद रखना है थ्योरम और थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट भी आपको यहां पर याद रखना है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे शो क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें ये कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारी ए है तो हमें शो करना है कि जो ए है वो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, हमें ये शो करना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग आपका ये वाला है, तो पहले वाले को हम शो करें, पहला वाला सेम मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा समझा भी दिया था, बट ये लो हम अच्छे से क्योंकि एक्सरसाइज आई तो और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमें शो करना है, तो इसमें ए भी चाहिए और ए ट्रांसपोज भी चाहिए, तो हम पहले यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम वन थ्री वन रो वन बन जाएगी, कॉलम टू फाइव माइनस वन रो टू बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गया। अब सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करना है ना तो आप बीच में यहाँ पे ऐसे ही प्लस लगा लो तो आपको पता चल जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, फाइव प्लस वन तो ये आप भी आपका सिक्स हो गया, फिर वन प्लस फाइव तो ये भी आपका सिक्स हो गया और माइनस वन प्लस माइनस वन, इस तरह का जब भी आता है ना तो राइट में छोटा सा लिख दो माइनस वन फिर प्लस माइनस का वन, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस वन माइनस वन हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो वन प्लस वन टू हो गया और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़ा वाला जो होगा उसका साइन आएगा, लाइक कि आपका माइनस फाइव प्लस वन है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो फाइव में से वन गया तो फोर बचा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइव बड़ा है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस टू आ जाएगा। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो यहाँ पे अब इस प्लस की जगह आप माइनस कर दो, तो थ्री माइनस थ्री जीरो, फाइव माइनस वन तो ये हो गया फोर, वन माइनस फाइव जैसे अभी ऊपर दिखाया, वन माइनस फाइव कितना हो गया माइनस का फोर हो गया, और माइनस वन माइनस माइनस वन तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो आएगा। देखो माइनस वन
माइनस माइनस वन, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एक वन प्लस का एक वन माइनस का दोनों कैंसिल होके क्या हो गया यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये हमारा जीरो हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इन वैल्यूज को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, या फिर अब आप हाफ ऑफ सीधा हम यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ सिक्स 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 माइनस टू, तो हाफ अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा ना, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये सबको क्या कर देगा, हाफ कर देगा, तो हाफ यहाँ आ जाएगा, हाफ इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, टू से सिक्स कैंसिल हो गया, थ्री आ गया, सेम इस टू से ये सिक्स कैंसिल हो गया, थ्री आ गया। देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये इस तरह से ये हाफ अंदर जा रहा है, इस तरह से हाफ इंटू सिक्स हो रहा है, देन हाफ इंटू आपका सिक्स हो रहा है, फिर ये सबके पास जा रहा है, हाफ इंटू सिक्स हो गया है और हाफ इंटू माइनस का टू हो रहा है, ये हमारी मैट्रिक्स इस तरह से आएगी। तो बट हम यहाँ पे अब ट्वेल्थ में है तो एक चीज को कम करके फटाफट लिख रहे हैं, क्योंकि टू के टेबल में सिक्स आया थ्री टाइम, टू के टेबल में सिक्स आया थ्री टाइम, टू के टेबल में सिक्स आया थ्री टाइम, और टू के टेबल में टू आया वन टाइम, तो थ्री 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 माइनस वन आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया, थ्री 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 माइनस का वन आ गया, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही ध्यान रखना है, तो सेम अब यहां भी ऐसे होगा, क्योंकि हमें यहां पे वैल्यू पुट करना है, तो ये भी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो यहां भी हमने हाफ का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे अभी ये समझा हाफ इंटू जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया, हाफ इंटू फोर तो टू हो जाएगा, हाफ इंटू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा, और हाफ इंटू जीरो फिर से आपका जीरो हो गया। नाउ अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और ये शो करना है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसमें से राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आपका यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो रखो वैल्यू इसके अंदर, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ये वाली है ना, ये रही ना वैल्यू, तो यहाँ पे रखो, ये हो जाएगी आपकी थ्री 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 माइनस वन, फिर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, ये निकाली थी ना हमने, ये रही, ये हो गया जीरो माइनस टू टू जीरो, करो इनको आप यहाँ पे ऐड, तो थ्री प्लस जीरो थ्री हो गया, थ्री प्लस टू फाइव हो गया, थ्री प्लस माइनस माइनस होता है तो थ्री माइनस टू वन हो गया, माइनस वन प्लस जीरो ये आपका माइनस वन हो गया, तो आप देखो ये हमारा ए है या नहीं है, ये रहा हमारा है थ्री वन फाइव माइनस वन, तो ये भी ये रहा थ्री वन फाइव माइनस वन, तो इज इक्वल टू आपका ए है, तो ये हमने यहाँ पर शो करके दिखा दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को, क्योंकि हम ए लेकर, ए हमारा है और हमने यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व किया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको पूरा हमने सॉल्व किया, तो ये फिर से हमारा यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ रही है रिजल्टेंट वो ए ही है, तो हमने शो कर दिया कि भाई जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही आपको थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में करना है। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, पुट करना है और शो करना है कि वो ए के इक्वल है, तो पहले हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ये आपका कॉलम है तो ये आपका रो बन जाएगा, सिक्स माइनस टू टू हो जाएगा, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो माइनस टू थ्री माइनस वन, फिर टू माइनस वन थ्री, तो ये टू माइनस वन थ्री हो गया। नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के लिए साइड में वापस बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा प्लस लगा लेते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिक्स प्लस सिक्स, तो सिक्स प्लस सिक्स आपका हो गया ट्वेल्व, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस टू माइनस टू, मैंने अभी आपको सिखाया था कि माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस होता है तो टू प्लस टू फोर हो गया और साइन आपका नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस का फोर हो गया, फिर टू प्लस टू, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, फोर हो गया, फिर अगेन माइनस टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टू माइनस टू, तो ये भी माइनस का फोर हो गया, फिर थ्री प्लस थ्री, तो ये आपका यहाँ पर सिक्स हो गया, माइनस वन प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये टू हो जाएगा और साइन नेगेटिव आएगा, वन प्लस वन टू, क्या ना भाई, वन प्लस वन टू और दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, फिर टू प्लस टू, तो ये आपका फोर हो गया, माइनस वन माइनस वन, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस वन माइनस का टू हो गया, फिर थ्री प्लस थ्री, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, सिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करें, नाउ साथ के साथ हाफ भी कर लें ताकि एक काम तुम्हारा खत्म हो जाए, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हाफ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो टू के टेबल में जैसे यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई यानी कि हाफ यहाँ पे जाके क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटू 1/2 हो जाएगा, ये इंटू 1/2, ये भी इंटू 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हाफ यहाँ पर जाकर के काम करेगा, ठीक है। तो अब इनको यहीं पे हाफ कर दे, मैं एक स्टेप और कम करूँ ताकि फटाफट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो टू के टेबल में 12 आया 6 टाइम, टू के टेबल में 4 आया 2 टाइम, लेकिन साइन नेगेटिव साथ का साथ चलेगा। 2 के टेबल में 4 आया आपका यहाँ पर भी 2 टाइम हो गया। फिर 2 के टेबल में 4 आया तो 2 टाइम माइनस एथ का साथ, 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम लेकिन माइनस साथ का साथ, फिर 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम लेकिन नेगेटिव साथ का साथ, 2 के टेबल में 6 आया आपका 3 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब इस प्लस के साइन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 6 माइनस 6 तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर -2 माइनस माइनस एक सॉल्व करती हूँ बाकी उसे समझ आओगे। ये -2 है, ये माइनस है और ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दो में से एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर भी हो गया 0। फिर आपका 2 माइनस 2 तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर -2 अगेन सेम हो रहा है, -2 सेम यहाँ पे हो रहा, तो ये भी आपका 0 हो गया। फिर आपका यहाँ पर हो गया 3 माइनस 3 तो ये भी 0 हो गया। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 में से बन गया, ये भी 0 हो गया। 2 माइनस 2 0, -1 माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया तो ये भी 0, और 3 माइनस 3 भी 0। तो यहाँ पे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर आपकी नल मैट्रिक्स आ रही है तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी यहां पर क्या आएगी, आपकी नल मैट्रिक्स ही आएगी। भाई हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो रहेगा, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। बस अब ये दोनों आ गए ना, अब इसमें आप यहाँ पे पुट कर लो। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब आपको ये भी पता है कि नल मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करो वही मैट्रिक्स आती हो, तो यही आंसर आपका आएगा, और ये आपकी ए के बराबर ही है। आप देख लो, 6 माइनस 2 2 हो गया, -2 3 -1 हो गया, 2 माइनस 1 आपका 3 हो गया। तो दोनों सेम आ रही, क्योंकि इसको इसमें ऐड करोगे तो यही आना और ये इसके इक्वली आ रही है, तो लेकिन हमें तो शो करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, 6 माइनस 2 2 है, ये वाली मैट्रिक्स लिख रहे हैं, -2 3 -1 है और ये 2 -1 3 है। फिर यहाँ पे इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस, तो ये तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। दोनों को ऐड करोगे तो नल मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करो वही आती, तो 6 माइनस 2 2 -2 3 -1। सब कुछ ये नहीं कि मन में ही कर देना, कुछ कहीं पर तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिखाना है। तो ये हमने राइट हैंड साइड लेकर के चले और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमने शो करके दिखा दिया कि एक्चुअली उन्हें एक्सप्रेस कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जो हम ए लेकर के चले वही हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो फिर से सेम वही काम करना है, पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या, वही कॉलम को रो में चेंज कर दो, 3 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। अगेन इस कॉलम को रो में चेंज कर दो, 3 माइनस 2 माइनस का 5। इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दो, -1 1 आपका 2 हो गया। अब वही क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस चाहिए ना, तो यहाँ बीच में हम अभी क्या कर देते हैं, प्लस लगा लेते हैं। करो प्लस, फिर 3 प्लस 3 तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर -1, अब प्लस वाली बात है तो प्लस को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों ऐड करने हैं, बस ये समझो ऐड करने हैं। तो -1 -4 ऐड करके क्या होगा, -1 प्लस होता है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, साइन नेगेटिव आ जाएगा। फिर -प्लस -3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर -माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, तो -माइनस प्लस होता है, 2 प्लस 2 4 होके यहाँ माइनस आ गया। फिर 1 माइनस 5 क्या होगा, तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 होगा। फिर आपका यहाँ पे -4 -1 -1 प्लस होता है, तो माइनस का 5 हो गया। -5 प्लस 1 तो ये 5 में से 1 गया, तो 4 साइन नेगेटिव आएगा, और 2 प्लस 2 तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। नाउ ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, हाफ ऑफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहां पे तो कुछ नहीं करना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने ऊपर किया ना हाफ से सबको मल्टीप्लाई किया, सेम यहां पर भी हम यही करेंगे। तो अब सीधा कर लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ 6 क्या होता है? 3 होता है। हाफ ऑफ 1 क्या होता है? हाफ ही होता है। हाफ 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू हाफ हाफ हो गया। फिर -5 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो ना, -5 इंटू 1/2, तो -5 के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है, तो -5 इंटू 1 -5, और 2 इंटू 1 2 हो गया, है ना, सिंपल है। तो फिर 1 इंटू हाफ, तो ये भी आपका हाफ हो गया। -4 इंटू हाफ, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस तो 4 का हाफ क्या होता है? 2 ही तो होता है। यहाँ पे 4 का हाफ कितना होता है? 2 ही होता है। सेम ये तो यही वाला हो गया, तो माइनस का 5/2 हो गया, और ये -4 का हाफ -2, और यहाँ पे भी आपका 2 हो गया। तो ये हमने एक चीज तो हमारी कैलकुलेट कर ली। नाउ दूसरी हम निकालते हैं। दूसरी हमारी क्या थी यहाँ पर? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोई लिखने करने का काम नहीं है, बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। 3 - 3 0 हो गया। फिर 3 - - क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 + 2 हो गया। 3 + 2 क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। फिर माइनस, अगेन माइनस, माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये माइनस का 1 है और प्लस का 4 है, तो 4 में से 1 गया, तो कितना बचा आपका? 3 तो बचा, ठीक है। फिर अगेन -2 और -3, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे बिल्कुल दिमाग लगा के सॉल्व करना, यही आप गलती करोगे और मार्क्स कटेंगे, तो इसको सॉल्व करने में हमेशा ध्यान रखना। तो -2 - 3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 2 आपका 5 हो गया, और साइन आएगा नेगेटिव। फिर अगेन -2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 1 - - अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका प्लस का 5 और ये प्लस का 1, तो ये 6 हो गया। फिर माइनस माइनस अगेन आपका क्या होता है? प्लस होता है, तो 4 में से 1 गया, तो आपका 3 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। फिर अगेन माइनस, ये ना -5 - 1 दोनों नेगेटिव है, तो प्लस होगा, तो 5 + 1 6 हो गया, साइन एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 - 2 आपका 0 हो गया। समझ में आ गया ना? नहीं आता तो आप लिख करके देख लो कि यहाँ पे 3 - 3 लिख दो, सेम साइन जैसे हम यहाँ ऊपर लिख करके सॉल्व करते ना, वैसे ही आप लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करना, अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख लिख के करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, करना ऐसे ही वर्बली, एक बार चाहे आप क्रॉस चेक कर लो ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो करो यहाँ पे सब जगह हाफ कर दो, 0 × 1/2 0, 5 × 1/2 5/2, 3 × 1/2 तो 3/2 हो गया, -5 × 1/2 माइनस का 5/2 गया 0, तो ये तो 0 हो गया, 6 × 1/2 तो ये 3 हो गया, -3 × 1/2 तो माइनस का 3/2 गया, -6 × 1/2 तो ये 3 हो गया, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। बस अब हमने दोनों निकाल लिए, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पे क्या थी? हाफ ऑफ ए प्लस ए, और क्या प्लस? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। करो वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ सीधा नहीं करेंगे, यहाँ से देख के कभी तो कहीं तो वैल्यू पुट करेंगे, ताकि ये ना सब कुछ ऐसे वर्बली नहीं कर लेना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी पुट करना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, मार्क्स ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका हो गया 3 1/2 देन -5/2। चलो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करना है। 3 + 0 3 हो गया, 1/2 + 5/2 तो ऑब्वियस है कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 6/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया? 3 आ गया। फिर सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -5 + 3 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, 5 में से 3 गया, तो कितना बचा? 2 बचा, डिवाइड में भी 2 और 5 बड़ा है, तो साइन नेगेटिव आएगा, तो 2 में से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और वैसे भी हमेशा शो हो गई, तो ये लिख करके आप सीधा का सीधा आंसर भी यहाँ से लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, एक्सप्रेस करना है तो वही। फिर 1/2 - 5/2 तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सॉल्व होंगे, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो 4 बच गया, और डिवाइड बाय 2, और साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? माइनस का 2 आ गया। फिर सेम -2 + 0 तो -2 + 0 तो -2 ही होगा। फिर -2 + 3 तो 3 में से 2 गया, तो 1 बचा। सेम ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 3 क्या हो गया? 8 हो गया, तो ये -8/2 गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो ये -4 आ गया। फिर -2 + 3 3 में से 2 गया, तो 1 बच गया, और 2 + 0 आपका 2 हो गया। एक सेकंड, माइनस प्लस कहीं पे कुछ गड़बड़ किया,
क्योंकि माइनस का 5 आना चाहिए यहाँ पे साइन। यस यहाँ साइन भूल गई, ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे हाफ किया तो ये माइनस आएगा ना। यस तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये यहाँ पे 5 आएगा साइन नेगेटिव। तब आप यहाँ पे देखो, जो हमारा ये ए है वही हमारा ये है। 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 तो -2 -2 1 -4 -5 2 तो -4 -5 2। तो यहाँ पे भी हमने जो कि ये हमारा ए है और जो कि हमारे एल एच एस के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। अब इसी का हमारा एक फोर्थ पार्ट और बचा हुआ है, तो वो भी कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है हमको, इसको भी शो करके दिखाऊं। तो ये हमारा, इसको भी हम ए लेट कर लेते हैं। तो ये 1 -1 5 और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब वही ए ट्रांसपोज तो हमें चाहिए गई होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसलिए तो ये 1 -1 कॉलम रो बन गया और सेकंड कॉलम हमारी सेकंड रो बन गई। ठीक है, अब करते हैं हम कैलकुलेट। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो करिए, तुम डायरेक्ट कर लेंगे ना, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। 1 + 1 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। -1 + 5 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और 2 + 2 भी आपका 4 हो गया। नाउ क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ में क्या हो जाएगा, सारे हाफ हो जाएंगे ना, वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। यहाँ पे भी हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा और यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। तो करो, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे करो ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसी प्लस को माइनस कर दो। 1 - 1 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। -1 - 5 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 1 6 दोनों नेगेटिव, साइन नेगेटिव, और 2 - 2 आपका यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे करो आप हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ करना है मतलब जो भी अंदर है सबको आधा कर दो। 0 2 का आधा 1 होता है, 6 का आधा 3 होता है और ये 0। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करो। नाउ एल एच एस, तो एल एच एस हमारा यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करो वैल्यू पुट अप। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 2 2 फिर प्लस ये वाली वैल्यू, ये हमने कर दी, ये अब कर रहे हैं 0 1 - 3 0। ठीक है, चलो करो आप इसको ऐड। 1 + 0 1 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, और 2 + 0 आपका 2 हो गया। आप चेक कर लो, यही आपका ए है, तो यही आपका एल एच एस है, यही आपका ए है। 1 - 1 5 2 1 - 1 5 2 यस, कहाँ गड़बड़ की है, मतलब ये नहीं शो हो रहा ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। कहाँ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ गड़बड़ हुई है। 5 देखो ऐसे गड़बड़ हो जाती है मैट्रिक्स में, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, तो 5 + 1 यहाँ पे 6 आएगा। मैंने पता नहीं किसको किससे करके यहाँ पे 6 कर दिया है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 + 2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कभी कभी वहां गड़बड़ जाती है, इसलिए चेक भी कर लिया करो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। अब नेक्स्ट 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 11 और 12। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ। तो ये आपको कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, हम कैसे दिखाते हैं कि अगर ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है और बी अगर बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तभी वो मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो फर्स्ट लाइन से हमने ये आइडिया लगाया कि अगर ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है एंड बी है वो आपके यहाँ पर बी ट्रांसपोज के इक्वल है। अब आपको बताना है कि अगर ये चीज आपको पता है तो हमें ये बताओ कि ए बी माइनस बी ए यहाँ पर क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे करें, अगर हमें ए बी मैट्रिसेस दी हुई होती तो हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते और देख लेते फाइनल आंसर आपका जो आ रहा है वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। बट यहाँ हमें इस तरह से पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरह की मैट्रिसेस है। तो बस आप अपने दिमाग में एक चीज सोचो कि अगर मुझे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ट्रांसपोज यहाँ पे दिखाया है कि भाई
ये जो क्वेश्चन है वो आपके ट्रांसपोज से ही सॉल्व होगा। अगर हम इसका यूज नहीं कर सकते तो ट्रांसपोज देने की क्या जरूरत थी भाई, हमें क्या जरूरत थी बताने की भाई ए बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम यही दो चीज ले सकते हैं और ये दो चीज अगर हमें गिवन है दैट मीन्स हमें इसको यहां पर क्या करना है, यूज करना है। तो यूज तो तभी कर सकेंगे ना जब इधर भी कहीं ना कहीं पे ट्रांसपोज हो, अगर इधर ट्रांसपोज ही नहीं तो हम इन वैल्यू को कैसे यूज करेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगाना है कि एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है। ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सब है, ये सिमेट्रिक है, तो मुझे कहीं पर भी ए की जगह पे ए ट्रांसपोज पुट करना है या ए ट्रांसपोज की जगह ए पुट करना है तो यहाँ ट्रांसपोज होना भी तो चाहिए। तो उसी जो गिवन है उससे मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर भी आपका ट्रांसपोज ही होगा। तो ए बी माइनस बी ए का हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तभी हम यहाँ पे इन गिवन चीजों को यूज कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, आपने जो चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनको आप दिमाग में रखो। ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने, ये देखो ये चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। तो जो प्लस में है ना वो माइनस में भी है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ प्लस में दे रखी तो माइनस में नहीं होगा। प्लस में अगर ऐसा हो रहा है तो माइनस में भी ट्रांसपोज अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलो जो चीज हमें पता है पहले हम ट्रांसपोज को अंदर लेकर के जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा और दूसरा ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा, यही हमारा होता है। अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ए बी यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे भी दो मैट्रिसेस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि ए बी का जो आपका यहाँ पर ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यही देखो ये थी ना प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो बस जैसे जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही वही हम यूज करते जा रहे हैं। तो ये ए बी का ट्रांसपोज तो आपका सीधा दिख गया, पहला वाला बाद में क्रॉस जाते हैं, बाद वाला पहले, पहला वाला बाद में जाता है, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहला वाला बाद में तो ये बाद में आ गया और बाद वाला पहले तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ये आ गया। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, भाई ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो क्योंकि हमें ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना तो हमें यहाँ ट्रांसपोज अब नहीं चाहिए, तो बी ट्रांसपोज की जगह हमने बी रख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए रख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए रख दिया, बी ट्रांसपोज की जगह हमने यहाँ पर बी रख दिया। इसको हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड नेमिंग कर लेते हैं और यहां हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो बी ए माइनस ए बी के इक्वल आ रहा है, बी ए माइनस ए बी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो बी ए यहां भी है, यहां भी है, यहां बी ए नेगेटिव में यहां पॉजिटिव में, यहां ए बी पॉजिटिव में यहां ए बी नेगेटिव में। तो हम क्या करें, हम भी तो यहां से अगर मैं यहां पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देती हूं तो मुझे पता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होने के लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है तो वो आपकी यहाँ पर सिमेट्रिक होती है, क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, यही होती है। तो अगर मेरा यहाँ पे ये आ जाता कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो अगर मेरा ए बी माइनस बी ए आ जाता तो मैं कह देती कि भाई मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, भाई ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाता है, तो ये तो हमारा हो नहीं रहा तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक लाने के लिए क्या होना चाहिए, आगे माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर ले लेती हूँ तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या देख रही हूँ कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के, अगर मैं ए बी माइनस बी ए को यहां पर क्यू लेट कर लेती हूँ तो ये भी मेरा क्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या देखी, क्यू ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है, ये यार भाई ये पूरा ब्रैकेट जो है अंदर वो क्यू है, ये ब्रैकेट जो है आपका क्यू है, तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये वाली डेफिनेशन आपकी फुलफिल हो रही है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां से हमने आइडिया लगा लिया। तो ट्रांसपोज क्यों लिया, जो गिवन है उसको देख करके हमने लिया, कुछ याद नहीं रखा है, तो गिवन कंडीशन हमें है कि भाई हमें सिमेट्रिक दे रखा है तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है तो क्यों ना इसका भी ट्रांसपोज लेकर के हम ट्राई करें, और इस तरह से हमने देखा तो हमारा आंसर
आंसर यहाँ पे ए आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो और जल्दी से हम 3.4 एक्सरसाइज पे यहाँ से चले जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इफ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है आपकी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आपका है साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक तो हमें ये दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है कि a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो i के इक्वल है। i यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो i यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको सिर्फ क्या देख रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे जो गिवन है ना उसका ऑर्डर जाके कॉपी मारना है भाई। तुम किस ऑर्डर के हो, मैं 2x2 ऑर्डर का हूं, तो यही कि मैं भी 2x2 ऑर्डर की बन जाती हूं। तो ये उसको देख, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है ना, सेम वैसे ही ये इसको देख करके अपना ऑर्डर बनाती है, तो ये 2x2 हो गया। तो अब आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो आपको कह रहा है कि भाई इस अल्फा की वैल्यू क्या होंगे, ये हमें दिया हुआ है, हमें पूछना है भाई ये अल्फा क्या यहाँ पर होगा। तो हम जो गिवन है उसी से इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके चलते हैं। तो इसने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ए तो हमें पता है क्या है हमारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या है आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज भी आप लिख दोगे, ट्रांसपोज क्या है, ये कॉलम बन के उठ के क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी, कॉलम को उठा करके रो बना दो, फिर ये कॉलम उठ के क्या बन जाएगी आपकी, रो बन जाएगी, बन गया आपका। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, तो ए प्लस ए किसकी इक्वल आ रहा, हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं जो हमें गिवन है, हम पूरा का पूरा वही ले लेते हैं, ठीक है, ये 1001 की इक्वल लेते हैं, ठीक है। अब हमने सारी इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, अब ये इनको ऐड करो, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 cos alpha हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो वही 0 हो गया भाई, 1, 2 - 2 कहो तो भी 0, या -2 + 2 कहो तब भी 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 cos alpha हो गया, इक्वल टू 1001 हो गया। तो क्या हुआ अब यहाँ पे, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ, कौन सी वाली डेफिनेशन याद करो, कौन सी डेफिनेशन से इक्वल होंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल, ये दोनों सेम ही है ना, तो 2 cos alpha किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो दिस इम्प्लाइज cos alpha किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos में 1/2 कहाँ पर आता है, तो cos में 1/2 cos 60 पे आता है या cos π/3 पे आता है, तो ये cos से cos कैंसिल नहीं होंगे, दोनों साइड cos है, दैट मीन्स एंगल भी इक्वल होंगे, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ पर आपका π/3 आ गया, तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज खत्म, नाउ कल हम देखेंगे हमारी 3.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। थैंक यू, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर लो।